चलो उमेश रेडी सो मेरा कितना एक्साइटेड है 1000 एपिसोड कंप्लीट की उड़ाएंगे सो ओनली हैव टू से उड़ान हैज़ रीच्ड अ माइलस्टोन और हम पिछले 3 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं सो येस वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी होप कि हम और काफ़ी सारे एपिसोड्स करते जाए और 1000 कर ले एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच हमें इतना प्यार दिया आप लोगों ने एंड यू हैव ऑलवेज स्टेड विद अस सो थैंक यू सो मच सी ऑनेस्टली मुझे हमेशा उड़ान के लिए हमेशा अप्रिसिएशन मिलता रहा है फ्रॉम कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरी वन हुएवर आई नो और जो हमारा शो देखते हैं द फैंस हैव ऑलवेज लव्ड अस सो वी फील वेरी ग्रेटफुल एंड हम इंस्पायर होते कि और करते रहें So it's an evening party. I am wearing a simple evening dress, appropriate for the party, and yeah. And you know, if you had to describe the journey of Chakori in 3 words, what would they be? Run, stand high, fly. And सबसे favorite scene आपका क्या रहा है आपका shoot करने में? एक सीन में नहीं बोल सकती बट ऑनेस्टली वेन एवर देर आर ऐसे कई बार वक्त आता है जब आपको कोई ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता एंड ऐसे कुछ और हमेशा द लीप एपिसोड द फर्स्ट एपिसोड जब मेरा लीप हुआ था वो एपिसोड हमेशा मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है मेरे अपने लिए क्योंकि दैट रिमाइंड्स मी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड इट ऑलवेज कीप्स मी गोइंग तो I re-watched that episode again and again because honestly वो episode में हम चारों की entry एक साथ हुई थी एक के बाद एक and since then the journey has been very beautiful. आपकी journey को fans के बहुत सहारा है सूरज जिन चोपड़ा को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है they are also celebrating so how does it feel? So the Sukor fans have showered with a lot of love on us. वो रेगुलरली हमारे लिए गिफ्ट्स भेजते हैं अलग अलग जेस्चर्स करते हैं जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं एंड ऑनेस्टली हम जब भी कोई सीन होता है हमारा सोचना यही होता है कि कुछ अच्छा करे कुछ ऐसा करे जो यू नो अलग लगे डिफरेंट लगे फैंस को कुछ मज़ा आए देखने में एंड दे गेट मोर एक्साइटेड एंड देन वी वेट फॉर आफ्टर द टेलीकास्ट टू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर कि इन लोगों ने क्या फीडबैक दिया इन्हें कैसा लगा वो सीन सो या थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड आज आप हमारे साथ 1000 एपिसोड की पार्टी में हैं हमारे साथ इस जर्नी तक आए एंड आई होप कि हम और लंबी जर्नी एक साथ करें इंग्लिश ओके और हिंदी और मिक्स मुझे बहुत खुशी है आई एम लाइक रियली रियली एक्साइटेड एंड चार्ज्ड अप बिकॉज मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टीजियस शो
उड़ान एंड थाउजेंड एपिसोड इज़ अ ह्यूज ह्यूज माइलस्टोन फॉर एनी शो. आज के टाइम में जब शोज तीन महीने या चार महीने में बंद हो जाते हैं, चार साल चलना तो एक बहुत इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग फीट. एंड आई थैंक गॉड एंड आई थैंक ऑल यू लवली पीपल, ऑल द ऑडियंसेस. आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. और आपने हमको इतना प्यार दिया, हमको इतना सराहा, और यही प्यार आगे से आगे भी देते रहिए. बस यही दुआ करता हूँ. तो जब मैंने शुरू किया था तो एज अ साइको कॉप, एक क्रेजी कॉप था जिसका एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, तो कैरेक्टर थोड़ा अलग जोन में था. लेकिन आई एम वेरी लकी कि इस एक ही शो में इतनी वेरिएशन मुझे मिली एज अ कैरेक्टर करने के लिए. रणविजय सिंह का कैरेक्टर जो है, तो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एंड इट्स कम टू अ पॉइंट वेयर इट्स वेरी एक्साइटिंग. मैंने भी इस तरह का पहले कभी अटेम्प्ट किया नहीं था कि इस तरह कॉमिक विलेन जिसको एक बोलते हैं कॉमिक नेगेटिव जोन में. तो बहुत मज़ा आया और आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंटायर जर्नी आई वुड कॉल इट वाइल्ड विकेड एंड फन. बहुत है यार, देयर आर सो मेनी बिकॉज उस घेज में, उस साइकोनेस में उस कैरेक्टर ने क्या क्या नहीं किया. अपनी माँ और बहनों को कांच तोड़ के उन पर चलवाया है, मिर्चियाँ खिलवाई हैं, मतलब इस तरह की पनिशमेंट्स वो देता आया है. तो कई सीन्स हैं जो कि अभी टू पिन पॉइंट वन इज वेरी डिफिकल्ट, बट प्रॉबेबली वन सीन वेर आई जब मैं सूरज और चकोर के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके इज अ सीन वेर आई एम विपिंग माई सेल्फ, जो फ्रस्ट्रेशन निकलती है. एक्चुअली कई सीन्स हैं, एक पिन पॉइंट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. द वर्किंग एक्सपीरियंस हैज़ बिन फैबुलस, ऑल ऑफ देम, मीरा, विधि, विजय एंड एवरीबडी एल्स, साई, सब ने बहुत, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा एंड एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. अ स्पेशल मेंशन टू ऑल द टेक्नीशियंस, द कास्ट एंड द क्रू, द एंटायर right from the spot boy to the makeup man to the cameraman, aur har ek banda jo responsible hai is show ko chalane mein. Of course Dhaval and Guru who are the producers and colors, Ycom, everybody has the ek show jo hota hai, ek show. I'm sorry, you're good. So jaisa main keh raha tha ki ek successful show ya ek television show ek jahaz ki tarah hota hai, aur उस जहाज़ को चलाने में सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, इट्स अ मल्टीपल एफर्ट एंड ईच पर्सन हैज़ डन हिज बिट. द डायरेक्टर ऑफ ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द शिप, तो इन दिस केस आई वुड से एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड एंड इट फील्स ग्रेट. 1000 एपिसोड्स, या या. नाउ दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. मरवाओगे सब अंदर मिलने वाले. फेवरेट तो ऐसा सब है यार, सब के ऑल आर नाइस, दे ऑल हैव सी आई शेयर अ रैपो विद, लाइक इमली इज प्लेइंग माय वाइफ, उसके साथ एक अलग रैपो है. क्योंकि हमारे कई सीन्स ऐसे होते हैं कि हम लोग रिहर्स नहीं करते, इम्प्रॉम्प्टो. अभी वो रिलेशन ऐसा हो गया है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पॉज लेने वाली है, वो जानती है कि मैं इसको कैसे लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, तो वो एक केमिस्ट्री अच्छी बैठ गई है. विजय के साथ अलग, विजेंद्र के साथ अलग सीन्स के इक्वेशन है, क्योंकि वो एक कैट एंड माउस इक्वेशन है, जो टॉम एंड जेरी का बोलो या कैट एंड माउस को बोलो, तो इन सब के साथ एक अलग रैपो है. आई एंजॉय विद ऑल ऑफ देम एंड आई एम इवन मोर एक्साइटेड कि दिस इज माई सेकेंड शो विद कलर्स विच हैज़ क्रॉस्ड 1000 एपिसोड आफ्टर उतरन. पहले उत्तरन था और अभी उड़ान. सो या 1000, वी डिड इट, थैंक यू.
Well, I still remember May 27th, 2014, and this is 2018, almost 4 years. It's going on and on, 1000 episodes. I pray to the Almighty ki ek zero aur add ho jaye, hai na? It's a nice show, it's doing well. All the best to everyone out there. मिस तो करते हैं यार, 4 साल से काम किया है, 3.5 साल से, तो एक फैमिली की तरह हम सभी लोग हो गए थे. मिस तो करता हूँ, लेकिन अभी 1000 एपिसोड किया तो सभी लोग मिले हैं. आगे का बताएं, डेली शो क्या है आप लोग जानते हैं. मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता. थैंक यू मैम. इस शो से कुछ इन्वॉल्व नहीं है, मेरी वाइफ है ये मधुबन. हाँ फिर नहीं, बस मेरे पति के सक्सेस में मैं भी सहभागी हूँ, और बस ये सीरियल और चलती रहे, सबको ऐसे ही सक्सेस मिले, और क्या. थैंक यू. थैंक यू सर. के साथ मैंने एक शो किया है दूसरा, तो भले ही मैं उड़ान के जैसे शो के साथ हिस्सा नहीं बना हूँ, पर उनकी जो टीम है, भट्ट साहब और गुरुदेव और धवल के साथ काम किया है, और बड़ा मज़ा आया. हमने जो नामकरण किया है, और एक शो को इतने देर चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ये, और ये अक्सर होती नहीं हमारी इंडस्ट्री में. तो माई बेस्ट विशेज़ टू द टीम ऑफ उड़ान एंड कलर्स, एंड उड़ान की उड़ान भरती जाए और बड़ी होती जाए, ये मेरी कामना है और शुभकामनाएँ प्रोड्यूसर्स के लिए. कुल एक्चुअली वी आर इन द सेम प्रोडक्शन, एक ही प्रोडक्शन की कंपनी है, एंड वी आर हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट देम. भला सर है जो उड़ान की प्रोड्यूसर है, सो वी हैव कम हियर टू सपोर्ट देम from Tu Aashiqui, and we wish them all the best. Acha, jaise Tu Aashiqui ka part hai, to aaj ek news bahut zyada bahar aa rahi hai ki Jannat ko replace kiya ja raha hai uski jagah. No, it's nothing like that. Aisa kuch bhi nahi hai. It's just a rumor. Jannat is and will be the most important part in the show. Post. Acha, ye baat hai ki unka statement dikhaya hai ki audition chalu ho gaye hain, replace nahi. Iske baare mein kya kehna chahiye? Next bhi statement. Nahi 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 nahi. Oh, I'm so sorry. Basically it's nothing like that. There's a newcomer which is going to come up opposite Ritwik as a negative role, so she's going to be the negative character. So uska audition ho raha hai, Jannat ka nahi ho raha. Acha, matlab kahin na kahin Jannat replace nahi ho rahi. Nahi, aisa kuch bhi nahi hai. Acha, unki dad ko ek aur statement aaya hai jahan pe minor आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उसके डैड सही है. इट्स आई थिंक इट्स पर्सनल, इट्स अप टू देम. आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट जितना मुझे पता है एंड द ऑडियंस, आई थिंक द फैमिली मेम्बर्स हु आर द पार्ट ऑफ द शो, जन्नत इज़ नॉट लीविंग, एंड इट्स जस्ट अ रूमर.
It's a milestone which we all have accomplished over here, and it's all because of you guys and all the hard work and all the support which you guys have given. So looking forward for the lovely, wonderful night, and thank you for being a part of it. I have come very much modern, very much opposite of my look which I am in my show. So yeah, a simple navy blue one piece with a ponytail, which I never do it. So yeah, just a different look. With kitne words mein? I have lived my character, I have loved my character, and I have laughed on my character. So I would just say live, laugh, and love. Okay, your favorite scene that you shot this? My favorite scene? It's too difficult to pick. But yeah, I had really loved one of my emotional scenes when I had lost my first child in the show. So that motherhood feeling at a young age was really good to portray. So that is one of the most emotional and wonderful scene I really liked. And any challenge that you are facing now? Any challenge? Yeah, a challenge. I thought I can never play a negative character, but I've played, and I don't know how I'm doing it, but then I never thought I can ever play a negative character. So I've tried my luck here, and I think it's going fine enough. It's great. और आज मैं अपने बाकी काफ़ी को एक्टर्स से मिलने वाली हूँ जो शो में नहीं है अब. सो इट्स लाइक अ रीयूनियन विद ऑल ऑफ देम. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नाइट. थैंक्स. मैम आप बोलो. बहुत ही नॉस्टैल्जिक जर्नी रही है, बिकॉज एज यू सेड हम पहले दिन से उड़ान के लिए शूट कर रहे हैं. लिटरली फर्स्ट डे जब चकोर पेट में थी मेरे, एंड तब से ये जर्नी शुरू हुई है. इतना नहीं सोचा था कि इतनी लंबी जाएगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड जो है शोज इतने जल्दी वाइंड अप हो रहे हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस कि शो सिर्फ चला ही नहीं है, बल्कि लोगों ने इतना सराहाया है. पीपल हैव लव्ड द शो. सो आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू द ऑडियंस फॉर लविंग द शो, फॉर लविंग उड़ान, एंड द लीप ऑल्सो वर्क. सो वेरी हैप्पी. थैंक यू. हाँ, ये बात ठीक है कि एसेंस चला जाता है, लेकिन जब तक ऑडियंस आपके शो को प्यार करती रहती है तब तक कहानी ईजाद की जाती है, और नए नए कैरेक्टर आते रहते हैं, यंगस्टर जुड़ते रहते हैं, और कहानी आगे बढ़ती रहती है. तो हमारी चकोर जो है पहले फाइटर थी, अब और ज़्यादा फाइटर हो चुकी है. जैसे जैसे वो हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आई थिंक शी इज प्लेइंग बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर. ऑफ कोर्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल उड़ान टीम, बिकॉज सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतनी लंबी जर्नी तय की है, तो डेफिनेटली ज़रूर शो के अंदर कुछ ना कुछ बात होगी, इसलिए इतना लंबा सफ़र खींचा. और आप लोगों का और ऑडियंस का प्यार रहेगा तो डेफिनेटली, और 2000-3000 एपिसोड होंगे, बस ये कहना चाहता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Here? Yeah. Smiling costs. Thank you, sir. Yeah, I think it's a great thing to complete 1000 episodes, and recently I was at a party for Kumkum Bhagya, completing 1000 episodes, and I think it's a great achievement for any show.
I'm really happy that she's been the part of this show. So I'm here to support her and Udaan. I think absolutely किया है. The way the show started, I think it ran really well, and the reason वो इतना successful था वो भी इसीलिए क्योंकि because it was different, because it motivated people in a lot of ways. So and the fact that we are celebrating 1000 episodes of Udaan proves that, you know, somewhere we've been successful in, you know, passing what we hope to. Fun, adventurous, and happy. Your favorite scene that you had shot throughout the time when you were shooting? I think we did a lot of fun scenes, but I think my favorite would be, you know, the dancing bit. I was, so there was this, the bride swapping and all, but then before that there was mehndi and there was all of that, so I think that was my favorite. Aaj ka look kya aapka party ka look? आज का पार्टी ओके सो ओके वी आर कोइंसिडेंटली वेयरिंग ब्लैक टुगेदर अगेन आई एम ड्रेस फॉर अ पार्टी इट्स अ ब्लैक लिटिल ब्लैक ड्रेस यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट सो आई जस्ट थॉट शी इज लुकिंग सो गुड एंड शी इज प्लानिंग सो मच सो आई थॉट ओके आई एम कमिंग फ्रॉम द शूट डायरेक्टली एक्चुअली सो आई डिडंट डू मच बट यस समवेयर आई ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट हर I'm really happy. I'm really happy, and it's been a dream for me working with Ekta. And today the show is doing so well. I always wanted to play a romantic hero in Ekta's show, and today I'm doing that. And the show is doing so great. I'm really excited. Top of the world. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू एवरी वन जितने भी लोग हैं उड़ान से जुड़े हुए एक्टर्स के अलावा भी जितने सारे लोग हैं तो ये सबकी सक्सेस है आप सबकी सक्सेस है आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और आई विश कि इसी तरीके से लोग उड़ान को प्यार करते रहें आज 1000 एपिसोड्स की पार्टी है और 2000 एपिसोड्स की भी पार्टी है वो तो अभी नहीं बता सकता बट अभी 1000 एपिसोड का सेलिब्रेशन है मैंने 450 एपिसोड्स किए हैं तो बहुत खुशी है मुझे शो बहुत अच्छा कर रहा है और होपफुली हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है अभी 1000 एपिसोड के लिए हमने शूट किया था वापस से तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा यार थ्री वर्ड्स में नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इसमें जितना कुछ कर सकते थे सब कर लिया है पॉजिटिव भी कर लिया नेगेटिव भी कर लिया और एक ड्रग एडिक्ट की तरह मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे जो वेरिएशन्स हैं वो मुझे करने को मिल गए बट उड़ान सबसे ज़्यादा स्पेशल रहेगा मेरे लिए हमेशा और बहुत ही यादगार जर्नी रही है जितना भी टाइम स्पेंड किया पॉजिटिव क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे शोज़ में किया है बट नेगेटिव पहली बार मैंने कुछ ट्राई किया था और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था तो जब आप नेगेटिव करते हो तो बहुत सारी चीज़ें करने को आपको ऑप्शंस होते हैं आप बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो तो उसमें मुझे खासकर बहुत ज़्यादा मज़े आए थे और सूरज बाबू को बहुत ज़्यादा परेशान किया था मैंने सी जो चीज़ स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होती है तो आपको अटैच और डिटैच होना बहुत आराम से आना चाहिए जब ख़त्म हुआ था तो अचानक से लगता है कि क्या करूं बट मैं पूरी कास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूं बट अब कुछ नया अच्छा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे नो नॉट एट ऑल जो भी डिसीजन मैंने लिया था या जो हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ मिल के लिया था बिकॉज मैं एग्जैक्टली बोल चुका हूं कि इतनी सारी चीज़ें कर चुके थे और मुझे नहीं और कुछ ज़्यादा स्कोप उसमें नज़र आ रहा था स्टोरी जो उस तरीके से ट्रैक में चल रहा था तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे 1000 एपिसोड की पार्टी हो रही है थैंक यू
Yeah. All right. Initially, because I feel like a Colors family now, after Thapki, Udaan was a show which I did, and now I'm doing Bepana. So I was there for 7-8 months, and whatever time I had in Udaan was brilliant. इतनी अच्छी टीम है कि मज़ा आता है काम करने में. आई थिंक द एंटायर टीम इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एवरी थिंग इज़ सो गुड कि आई कैंड मिस देम. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. आई विश आई वॉज स्टिल अ पार्ट ऑफ इट बट बेपना हैड टू हैपन. सो कंग्रेचुलेशन उड़ान की टीम. ब्यूटिफुल थ्री वर्ड्स. ब्यूटिफुल इज द ओनली वर्ड आई गेस. Oh, playing an inspector was really fun. I played Inspector Ajay Khurana in Udaan, and that was really beautiful. And falling in love with Chakor was even more beautiful. I think it's always good to fall in love. Please keep watching Udaan. अभी 1000 एपिसोड हुए हैं और 2000 एपिसोड और करने हैं, और उसके साथ साथ बेपना भी देखिएगा ज़रूर. थैंक यू. Lovely. I cannot express it in words. I think this is my first show jiska itne sare episodes hue. So it's I'm feeling on top of the world, and along with so many episodes, the show is also doing well right now. The TRPs are good, and we have a good storyline ahead, so I'm looking forward. प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ. एंड आई फील कि जो उनका प्यार है उस पर खरा उतरने के लिए अभी भी बहुत मेहनत करनी है. सो देयर इज़ अ लॉट दैट हैज़ टू बी डन. बहुत सारा एफर्ट डालना है एज एक्टर्स और दिल जीतने. हार्ड वर्क, डेडिकेशंस, एंड More fun. And more hard work. Okay. Any challenge that you are doing? Yeah, there have been some. Beech mein thoda hospitalized ho gaya tha last year, and then we had to shoot the Bandhua track. But I feel as an actor, jab camera on hota hai, to sab kuch theek ho jata hai. So after kahoge aapke husband ko itna pyar mila hai unke fans se, viewers se, sab. Oh, of course. It's first of all, thank you very much, and it's a very overwhelming feeling that my husband BJ has made it so big, and I would really want to thank everybody for the love and support that everyone has given, and very very proud of him. Thank you. Of course, yes. I am his biggest critic. Whenever I have liked something, or whenever I have not liked something, I am very vocal about it. Yes, she I is. Do talk. One scene that he's done that is your favorite. Oh, there are so many. I can't think, but there are so many. Something in particular when he was doing the Bandhua track. Yes, I quite liked his performance. The intense scenes that he was doing. Message to the fans, thank you so much for your love, and keep loving us this way, and we'll try our best to give our best so that we can entertain you. How are you? Good. Congratulations. Sorry. आज का मेरा स्पेशल बहुत स्पेशल एक्चुअली ये दिन
आई वॉन्ट टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू द उड़ान टीम, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये दिन। यही सब, जैसे आप सब आते थे, हम लोग बहुत सारे गप्पे मारते थे, ऐसे ये सब आज हो रहा है सेम। डोंट आस्क, सर अर्जुन सर से तो मुलाकात हो ही गई है, अभी देखते हैं और कौन होगा। कस्तूरी माई हो सकती है, बापू हो सकती है, मेरी छोटी इमली हो सकती है, सब फ्रेंड्स वापस। बड़ी जगह बहुत क्यूट है, क्यूट है। उसके बाद मैं स्टडीज में बिजी हो गई तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिस करती गई एक दो एपिसोड्स। थैंक यू, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उड़ान की जो टीम है सबको कास्ट एंड क्रू मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे खुद के प्रोड्यूसर्स हैं गुरुदेव भल्ला एंड ऑब्वियसली धवल गाड़ा, सो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनके प्रोडक्शन के अंडर में उड़ान वॉज देयर फर्स्ट शो टू गो ऑन एयर। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट द शो इज़ कम्प्लीटेड 1000 एपिसोड्स एंड विद अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, एवरी वीक इट टॉप्स द चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ TRP। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, टू कलर्स, एंड मैं यही दुआ मांगूंगी कि 1000 एपिसोड के आगे और शून्य की संख्याएँ जो है वो बढ़ती जाए। सो टू द एंटायर टीम, विशिंग यू अ लॉट मोर ऑफ सक्सेस। या आई लव इयरिंग्स, आई थिंक सबको अभी पता ही है बात। सो मैं उल्टा ही करती हूँ, मैं अपने इयरिंग्स के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। सो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मुझे इयरिंग्स पहननी है, तो उसके साथ मैंने टीम अप किया है। आई ऑलवेज ट्राई एंड क्रिएट समथिंग लाइक अ फ्यूजन वेयर, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट दिस इज़ मी एंड आई लाइक टू ब्लेंड इंडियन एथनिक वेस्टर्न ऑल टुगेदर। सो या थैंक यू। जस्ट गोइंग टू से आज के ज़माने में कोई भी शो अगर 1000 एपिसोड्स कर ले, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि शोज़ आजकल आते हैं और जाते हैं। बट दिस प्रूव्स कि उड़ान इज़ सच अ लव्ड शो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर धवल कि उनका शो इतना अच्छा कर रहा है। इट वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज़, अब ऑफकोर्स फॉलो नहीं कर पाती लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची थी आई थिंक आई यूज़ टू लव द शो दैट टाइम। सो कंग्रेचुलेशंस, आई थिंक या बहुत प्रेशर आई थिंक जब भी आप कुछ आइकॉनिक करते हो सो और उसका रीमेक बनाते हो, इट्स ऑलवेज अ ह्यूज प्रेशर बिकॉज द शो ऑफ कॉर्स वॉज आइकॉनिक। उसके ऊपर से जो एक्टर्स हैं, मैं जो अर्चना पूरन सिंह का यू नो किरदार निभा रही हूँ, दैट्स अ ह्यूज प्रेशर। मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, आई नो उनकी किस तरह की एनर्जी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच अप टू दैट। सो डेफिनेटली वो प्रेशर रहता है, वी जस्ट होपिंग कि जिस तरह पहले लोगों को पसंद आया अब भी उन्हें पसंद आ रहा है।
अब तक आई थिंक द ओनली रिस्पॉन्स आई हैव गॉट इज फ्रॉम माई डॉटर जो 6 साल की है और वो पिछले 4-5 दिन से जो देख रही है वो हंस हंस के मतलब वो ज़मीन पर गिर जाती है. शी फाइंड्स द शो रियली फनी. सो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर मी क्योंकि वो बहुत शोज़ नहीं देखती है बट शी फाइंड्स इट रियली फनी. सो आई थिंक अच्छा ही जा रहा होगा. मैसेज टू ऑल द फैंस इज़ दैट प्लीज़ गिव अस ऑल द लव. ये वैसे है उड़ान, हम यहाँ उड़ान के लिए आए हैं बट श्रीमान श्रीमती फिर से आया है सो प्लीज़ गिव इट ऑल द लव. थैंक यू. Hold on. Slightly the wrong, yeah. That's good. Here. Nahin, वैसे ही बट हेयर इज कमिंग ऑन फील. कैन यू डू द सिमिलर विदाउट द मैन स्टार्ट कर दो. या यू कैन यूज अ हैंड इट्स बेटर. या His passion is about his photography. Cool, super. Cool, yeah, okay. वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी गुड. आई एम फीलिंग लाइक कि मैं दूसरे घर जैसा ही है. आई एम फीलिंग वेरी वार्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट उड़ान टर्न्स 1000 एपिसोड्स. दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड ज़िंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है. बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, पूरा आसमान अभी बाकी है. फिलहाल तो स्टडीज़ चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स ऑन है. बहुत जल्द. तेरी सोच. एक बड़ी बड़ी ना मिले. टाइम हो गया. हाँ टाइम हो गया. एक मिनट.
अरे तू हो आज सॉरी Well, it's something great. I think I really wish, really congratulate the whole team. And ये बहुत कम ऐसा होता है कि 1000 एपिसोड पूरे हो जाते हैं आजकल के ज़माने में. इन लोगों ने कर लिए. तो I think many many more to come. And same production house. अगर जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा बजट हमारा भी बढ़ सकता है. अभी का आपने शायद दो शोज किए जिन्होंने 1000 एपिसोड का माइलस्टोन अचीव किया है. So what do you want to see? How does it feel? ये सवाल मेरे से कभी नहीं होता. हाँ खैर. नो इट्स ऑब्वियसली इस टीम के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो ही रहा है एंड आई नो कि ये लोग कैसा फील कर रहे हैं सो टू मच एक्साइटमेंट आई एम नॉट एग्जिटिंग ऐसी रूमर है देखिए क्या है कि आई थिंक द शो नीड्स अ लिटिल मोर प्रोग्रेस नाउ द स्टोरी नीड्स टू बी प्रोग्रेस एंड दैट इज व्हाट दे प्लानिंग टू डू लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ जो उड़ रही है खबरें ऐसा कुछ नहीं मैं शो को ही नहीं छोड़ रहा ऐसा शो नहीं छोड़ना चाहेगा कोई भी इतने अच्छे कोस्टार्स हो इतना अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस हो जिनके दूसरे शो ने 1000 एपिसोड किया और ऐसा चैनल हो सो इट्स नॉट दैट आई एम लीविंग द शो इट्स द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग एंड होपफुली माइट और माइट नॉट बी बैक कर लो मेहनत सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग अस और हम आज यहाँ आए हैं उड़ान के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग उड़ान और इतना प्यार से आपने उड़ान देखा है हर कैरेक्टर को इतना चाहा है इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर दिस टीम सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी बिकॉज यू गाइज ऑल्सो आर इक्वली पार्ट ऑफ दिस सक्सेस फॉर उड़ान नहीं 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 मैं तो वही कपड़ों में आया भाई मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं है ऐसा कुछ क्योंकि मैं शो में वही कपड़े पहनता हूँ आई हैव टू मेंशन दिस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इनकी बीवी ने सजाया सो या थैंक यू सो मच Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke saath apne aap chalti hai. Aur hum kya roshni dalenge uske upar. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.